हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखें। आज के वीडियो में आपको एक एलईडी टीवी नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवीज़ की सेफ्टी के बारे में, ताकि हमारे टीवी जल्दी से ख़राब ना हो और सालों साल हम उनका मज़ा लेते रहें। दोस्तों, एलईडी टीवीज़ के ख़राब होने का मेजर रीज़न है वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, या फिर वोल्टेज में ड्रॉप या सर्ज का होना। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये प्रॉब्लम हर जगह होती है। अर्बन सिटीज़ में थोड़ी कम होती है, लेकिन सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में ये एक आम बात है। लेकिन मैंने तो सुना है कि टीवीज़ में इनबिल्ट स्टेबलाइज़र आता है। अगर आपको भी कोई ये कहता है कि किसी टीवी में इनबिल्ट स्टेबलाइज़र है, या आपको भी ऐसा लगता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि टीवीज़ में स्टेबलाइज़र नहीं SMPS लगाया जाता है, और SMPS स्टेबलाइज़र की तरह काम नहीं करते हैं। तो SMPS करता क्या है? SMPS का काम है हमारे घर में सप्लाई होने वाली AC वोल्टेज को रिड्यूस करके 12 या 24 वोल्ट DC वोल्टेज में कन्वर्ट करना। इन सिंपल वर्ड्स, हम SMPS को एक कन्वर्टर की तरह मान सकते हैं, जो AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की। वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्या होती है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या टीवी का SMPS टीवी को वोल्टेज फ्लक्चुएशन से भी बचा कर रखता है? दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक है कि टीवीज में SMPS होने की वजह से कम या ज़्यादा वोल्टेज आने पर भी टीवी बहुत अच्छे से काम करता रहता है, लेकिन ऐसा फ्रीक्वेंटली होते रहने से SMPS पर एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ता है, जिससे उसके कॉम्पोनेंट्स हीट होने लगते हैं, जिसके कारण SMPS धीरे धीरे वीक होने लगता है और उसके खराब होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और अगर SMPS खराब हो जाए तो टीवी के बाकी सेंसिटिव एंड एक्सपेंसिव कॉम्पोनेंट्स ऑल्सो विल बी एक्सपोज्ड टू द हाई AC वोल्टेज। सरल शब्दों में कहूँ तो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस के कारण हमारा महंगा टीवी कुछ ही सालों में खराब हो जाता है, और उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। और ऐसा ही कुछ होता है वोल्टेज सर्ज के केस में। वोल्टेज स्पाइक या वोल्टेज सर्ज का मतलब होता है एकदम से बहुत ज़्यादा वोल्टेज का आ जाना, और अक्सर ऐसा होता है जब पावर कट के बाद इलेक्ट्रिसिटी वापस आती है, और ये वोल्टेज सर्ज 4000 वोल्ट, 5000, 6000 वोल्ट तक का भी हो सकता है, जिससे हमारे टीवी खराब हो जाते हैं। दोस्तों, वोल्टेज का लो होना या हाई होना, दोनों ही केसेस में टीवी रिस्क पर आ जाता है, क्योंकि अगर टीवी की इनपुट सप्लाई कंटिन्यूसली लो रहती है या हाई रहती है, तो दोनों ही केसेस में टीवी का SMPS हीट होने लगता है और उसके लाइफ स्पैन पर असर पड़ता है, जिसके कारण टीवी के बाकी कंपोनेंट्स भी रिस्क पर आ जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से कैसे बचें? अब हम ग्रिड से आने वाली AC वोल्टेज सप्लाई को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने LED टीवीज को जरूर सेफ रख सकते हैं उनके साथ एक अच्छी क्वालिटी का वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाकर, क्योंकि स्टेबलाइजर टीवी की इनपुट वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, जिससे उसके SMPS पर एक्सेसिव लोड नहीं पड़ता और वो अच्छे से सालों साल काम करता रहता है। और ऐसा ही एक बेस्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर है मेरे पास, जो हमारे टीवीज को स्टेबल इनपुट प्रोवाइड कराता है। यह है वी गार्ड का क्रिस्टल 100 प्राइम। इसकी वर्किंग रेंज है 90 वोल्ट से 290 वोल्ट तक। दोस्तों, वी गार्ड इंडिया में स्टेबलाइजर्स का नंबर वन ब्रांड है, और पिछले 45 ईयर्स से बेस्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर्स वी गार्ड वाले ऑफर करते आए हैं। और हमारे टीवीज के लिए वी गार्ड के पास वाइड रेंज है टीवी स्टेबलाइजर्स की। लेकिन कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सा मॉडल लेना चाहिए, तो चलिए इसमें मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। दोस्तों, कोई भी टीवी स्टेबलाइजर लेने से पहले हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। पहली, टीवी का स्क्रीन साइज। आपका टीवी 32 इंचेस है, 43 है, 55 है, 75 है, उसका स्क्रीन साइज क्या है बेसिकली। उसके बाद आपको ये देखना है कि उस टीवी के साथ आपने कितने डिवाइसेस कनेक्ट किए हुए हैं जिनको आप स्टेबल वोल्टेज देना चाहते हो। उन सभी डिवाइसेस का लोड कैलकुलेशन आपको करना है, क्योंकि जब आप उनका लोड कैलकुलेट कर लोगे, उसके बाद ही आप एक राइट वोल्टेज स्टेबलाइजर परचेज कर सकते हो। वोल्टेज स्टेबलाइजर्स की वाइड रेंज अवेलेबल है वी गार्ड के पास, और ये जो स्टेबलाइजर्स होते हैं, ये 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर एंड 6 एम्पेयर लोड कैपेसिटीज में आते हैं। दोस्तों, मेरे पास जो ये वी गार्ड का स्टेबलाइजर है, क्रिस्टल 100 प्राइम मॉडल है, और इसकी लोड कैपेसिटी है 3 एम्पेयर। चलिए जानते हैं वी गार्ड के क्रिस्टल सीरीज के टीवी स्टेबलाइजर्स में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट वोल्टेज करेक्शन की। वी गार्ड के क्रिस्टल सीरीज स्टेबलाइजर्स में माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सर्किट का यूज किया गया है, जिससे ये स्टेबलाइजर्स
फास्ट एंड एक्यूरेट वोल्टेज करेक्शन का काम करते हैं। देन इन वोल्टेज स्टेबलाइजर्स में हमें सर्ज प्रोटेक्शन का भी फीचर मिल जाता है। अगर कभी वोल्टेज में स्पाइक आता है या फिर वोल्टेज सर्ज होता है तो ये वोल्टेज स्टेबलाइजर्स हमारे टीवी और उनके साथ लगे हुए कनेक्टेड डिवाइसेस को प्रोटेक्टेड रखते हैं। देन क्रिस्टल सीरीज के स्टेबलाइजर्स में हमें थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन का भी सपोर्ट मिलता है। ये स्टेबलाइजर ना सिर्फ अपने आप को बल्कि टीवी को और उसके साथ लगे हुए कनेक्टेड डिवाइसेस को भी ओवरलोड से बचाकर रखता है। किसी वजह से अगर आपका टीवी या फिर कोई और कनेक्टेड डिवाइस ज्यादा करंट लेने लगता है तो एक अच्छे स्टेबलाइजर का काम है आउटपुट वोल्टेज सप्लाई को कट कर देना, और वी गार्ड का ये वोल्टेज स्टेबलाइजर ऐसा ही करता है ताकि इसके साथ में अटैच्ड कोई भी डिवाइस ओवरलोड से खराब ना हो। लुक्स की बात करें तो वी गार्ड क्रिस्टल सीरीज के स्टेबलाइजर्स एलिगेंट लुक्स एंड ब्लैक कलर की ABS बॉडी में आते हैं जो कि शॉक प्रूफ है, और ये टीवी स्टेबलाइजर वॉल माउंटेड टाइप है। क्रिस्टल सीरीज के सभी वोल्टेज स्टेबलाइजर्स के ऊपर वी गार्ड की तरफ से 3 ईयर्स की वारंटी ऑफर की जाती है। तो अगर आप भी अपने टीवी को सेफ रखना चाहते हैं तो खरीद लीजिए वी गार्ड क्रिस्टल टीवी स्टेबलाइजर ताकि बिना किसी प्रॉब्लम के आपका टीवी भी सालों साल चलता रहे। वी गार्ड क्रिस्टल सीरीज के सभी मॉडल्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां पर जाकर इन स्टेबलाइजर्स की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आपको ये वी गार्ड का स्टेबलाइजर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करते जाइएगा। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।